आपको ये तक नहीं बताया उसने कि आपको उसने क्यों ब्लॉक किया है, ब्लॉक कर रहा है, अनब्लॉक कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है, अनब्लॉक कर रहा है। एक बार नहीं हुआ है आपके साथ, ये कई बार हो चुका है आपको, कई बार ब्लॉक अनब्लॉक कर चुका है वो। तो अभी आपको क्या करना चाहिए, आपको वेट करना चाहिए अनब्लॉक होने का, या फिर कई बार अगर ऐसा हो चुका है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना और आपको मैं बताऊंगा कि आपको क्यों ब्लॉक करता है और इससे आपको ये सब चीज़ों से आपको छुटकारा कैसे मिल सकता है, ठीक है? तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। सबसे पहली बात होती है मेरे भैया, आपको ये पता करना चाहिए वो क्यों ब्लॉक कर रहा है, ठीक है? इसकी कई वजह हो सकती है। देखो सबसे पहला ये हो सकता है भैया कि वो हो एकदम निब्बी टाइप की, ठीक है, एकदम निब्बी टाइप की, उसको समझ नहीं आता हो कि, और हाँ ये नॉइस वॉइस थोड़ा इग्नोर करना, ठीक है, और मेरी वीडियोज़ बनाते टाइम ये सारी ट्रेनें व्रेनें सब कुछ आती है और यहाँ से ना 4 किलोमीटर दूर है ये सब, तो इन सबको दूर हटाओ। उसके बाद में तुम समझो ये कि भैया जब भी हो ना, सबसे पहली चीज़ होती है वो निब्बी हुई या फिर निब्बा हुआ, उसको मज़ा आता है ये सब करने में, ठीक है, ब्लॉक करेगा अनब्लॉक करेगा, वो सोचता है ये सब करने से प्यार बढ़ता है, ओ माई गॉड अगर मैं उसको ब्लॉक करूँगा वो मुझे याद करेगी, ये करिए वो, ये ब्लॉक व्लॉक करने से सिर्फ चूतियापंती होती है, ठीक है। एक चीज़ ये हो गया, इसको साइड में कर दे। अब जो हमारा सेकंड चीज़ आता है वो आता है कि भैया उसको समझना नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, इन सबसे कोई मतलब नहीं है उसको, तुम कोई तुम्हारी बात नहीं पसंद आई, तुमको छुटता सीधा बोल दिए, या फिर उसको मज़ा नहीं आ रहा तुम्हारे साथ में, ब्लॉक। अब चौथा चीज़ होता है इंटरेस्ट खत्म हो गया है, ब्लॉग। उसके बाद में फिर और आता है कि भैया वो ना तुम्हारे लिए है ही नहीं, तुमने उसको मतलब हद से ज़्यादा तो इरिटेट कर दिया, या फिर इसमें तुम्हारी गलती होगी कि तुमने उसको हद से ज़्यादा इरिटेट कर दिया, एकदम पागल बना दिया उसको तुमने, एकदम चूतिया, एकदम एकदम हर चीज़ कर दिया तुमने उसके साथ कि एकदम वो मजबूर हो गई तुमको ब्लॉक करने के लिए, फिर मजबूर हो गया तुमको ब्लॉक करने के लिए, इन सब चीज़ों की वजह से भी हो सकता है। अब जो हमारा नेक्स्ट चीज़ होता है, अगर आपको उसने ब्लॉक किया तो क्या आपको अनब्लॉक करेगा, ठीक है, अगर आपको उसने अनब्लॉक कर दिया है तो क्या आपको अनब्लॉक करेगा, तो इस चीज़ के लिए भैया तुमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा तुम उसके दिमाग में, उसके जहन में, उसके हर एक चीज़ में, फीलिंग्स में कितना इंटर हो चुके हो, कितना घुस चुके हो। अगर तुमसे वो मतलब बात करे भी ना, रह नहीं पा रही है, हर एक चीज़ मतलब अच्छा खासा तुमने उस पर इंटरफेयर करोगा, हाँ हाँ बिल्कुल सही आपने कहा, वो तो एकदम आदत सी लगा रखी है तुमने, तो हो सकता है कि वो आपको अनब्लॉक कर दे 1 या 2 घंटे या फिर 1 या 2 दिन में, ठीक है। अगर आप नहीं कर पाए हो, आपके साथ उसकी फीलिंग अटैच नहीं हुई या फिर कुछ ऐसा नहीं हुआ, आप उसके अंदर दिमाग में इंटर नहीं कर पाए हो, तो आप कुछ नहीं कर सकते। अब जो हमारा नेक्स्ट चीज़ होता है भैया, इंप्रेशन होता है कि आपका इंप्रेशन उसके ऊपर कैसा पड़ा। अभी तुमने 4 दिन पहले, 5 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले, 1 महीने पहले तुमने गर्लफ्रेंड बनाई, उसके साथ तुमने कर ली लड़ाई, अब भैया तुम सोच रहे हो कि वो बंदी आएगी, तुमसे बात करेगी, बाबू सोना करेगी, हर एक चीज़ करेगी, तो कहाँ से करेगी मेरे भाई, अगर आपने उसके ऊपर सही से इंप्रेशन नहीं डाला होगा, अगर आपने उसको ये नहीं दिखाओगे मैं सबसे अलग हूँ, सबसे डिफरेंट हूँ हर एक चीज़ के बारे में, तो हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे आपने गलती कर रखी होगी, आप जा करके सॉरी सॉरी ये सब दुनिया भर की चीज़ें, ठीक है, ये सब भी होता है। तो इंप्रेशन सबसे आपका ये मैटर करता है कि वो आएगी या नहीं आएगी। अब जो हमारा नेक्स्ट चीज़ आता है वो ये आता है कि तुम अपसेट हो रहे हो या नहीं हो रहे हो, वो हो सकता है इस चक्कर में ब्लॉक व्लॉक कर रहे, क्योंकि देखो तुम अपसेट हो रहे हो नहीं हो रहे हो, एकदम पागल हो रहे हो नहीं हो रहे हो, हर एक चीज़ के बारे में तुम्हारा चेक करने के चक्कर में कि इसको प्यार है या नहीं है, अगर ये मतलब क्या होगा तो तुम इंस्टाग्राम पे मैसेज करने लगोगे, यहाँ पे मैसेज करने लगोगे, एक जगह से ब्लॉक किया दूसरी जगह पहुँच गए, दूसरी जगह से ब्लॉक किया तीसरी जगह पहुँच गए, चौथी जगह पहुँच गए, हर एक जगह तुम अगर पहुँच रहे हो ऐसी हरकतें कर रहे हो तो भैया बहुत मुश्किल है तुम्हारा वो कि अनब्लॉक कर दे तुमको, तो प्लीज़ इन सब बातों को समझो। अब हमारा नेक्स्ट चीज़ जो आता है कि आपको उसको देखना कि वो कैसे कह रहा है, मतलब उसकी बातें कैसी है, या फिर वो ब्लॉक करने के बाद में हम तुमसे कैसे, ब्लॉक करने के टाइम उसने क्या कहा था कि आज के बाद आऊँगा नहीं, ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, उसकी मतलब बोलने की टोन या फिर टाइपिंग की टोन अलग ही समझ में आती है, फीलिंग्स अलग ही समझ में आती है, तो उस हिसाब से आप ये जान सकते हो कि क्या वो इंटरेस्टेड है या नहीं है, ठीक है। ये एक चीज़ होगी भैया, तुमने सब कुछ कर लिया, ठीक है, सब कुछ अच्छे खासा तुमने हर एक अपना बेस्ट दे दिया कि भैया मैं हर एक चीज़ कर सकता हूँ, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा कि मैं भैया इतना सब कुछ किया, हर एक चीज़ किया, फिर भी ये मेरे को ब्लॉक करती है, अनब्लॉक करती है, अभी मेरे को क्या करना चाहिए। तो मेरे भैया एक बार अपने दिमाग से सोचो, अपने दिमाग से सोचो कि यार मैंने हर एक चीज़ की, अपने परफेक्ट दिया, हर एक अच्छा से अच्छा किया, अभी देखो ब्लॉक अनब्लॉक करी, हो सकता है उसकी उसका दिमाग जो कहते हैं ना कि कुत्ता कभी घी जम नहीं कर सकता है, तो हो सकता है उसके दिमाग में नहीं आ रहा, उसके दिमाग में आपका प्यार नहीं समझ में आ रहा, हो सकता है आप उसको समझ में नहीं आ रहे हो, कोई बात नहीं, ब्लॉक कर दिया कोई बात नहीं, अभी आपको एकदम डीप थिंक सोचनी चाहिए कि हाँ चलो कोई इतनी बार कर रहा है यार मैं इसके चक्कर इस अकेले के चक्कर में चूतिया बना घूम रहा हूँ, सच में मेरे भाई तुम उस अकेले के चक्कर में ऐसा चूतिया से बने घूम रहे हो, उसके चक्कर में तुम खा नहीं रहे हो, पी नहीं रहे हो, हर एक चीज़ डिप्रेशन में चले जा रहे हो, ठीक है। तो भैया इन सब चीज़ों से थोड़ा बाहर निकलो। और उसके बाद में सबसे बड़ी बात कि अभी तुमने खुद अपने दिमाग में सोच लिया कि हाँ हाँ ऐसी ऐसी गलती, जहाँ पे मेरी तुम्हारी गलती भी नहीं होती वहाँ पे भी गुस्सा करता है, ब्लॉक कर देता है यार, ये तो सोचो थोड़ा, जहाँ पे तुम्हारी गलती नहीं होती वहाँ पे भी वो ब्लॉक कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, हर एक चीज़ कर रहा है, इन सब के बारे में थोड़ा बहुत सोचो और निकलो। अभी देखो क्या है, तुम्हारी भी कुछ ना कुछ इज्जत है ही, ठीक है, तुम्हारी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं है, अब वो तुम्हें बार बार अनब्लॉक कर रहा है, तुम कुत्तों जैसे जा रहे हो उसके पास, अरे अनब्लॉक कर दो नंबर चेंज कर करके मैसेज कर रहे हो, फिर एक नंबर चेंज कर रहे हो, फिर उसके बाद में आईडी बना बना के मैसेज कर रहे हो, ये सब चीज़ें कर रहे हो मेरे भाई, इससे तुम्हारी इज्जत गिर रही है, समझे, उसका कुछ नहीं हो रहा, उसको तो मज़ा आ रहा है भाई, हाँ वेरी गुड, इतना मैंने पागल कर दिया, इतना दीवाना कर दिया, इतना पागल कर दिया कि पूछो ही मत, हर एक चीज़, लेकिन इज्जत तो तुम्हारी जा रही है अच्छी खासी,
तो प्लीज मेरे भाई जरा खुद को समझो, अगर ब्लॉक कर रहा है चलो ठीक है, तुम्हारा इंप्रेशन अच्छा पड़ा तो ठीक, अगर बार बार अनब्लॉक और ये ब्लॉक वाला गेम खेले तो इन सब चीजों से बाहर निकलो, ये रिश्ते कोई रिश्ते नहीं होते हैं, ठीक है। निकलो, हो सकता है वो मूव ऑन करना चाहता हो, आपकी बातें नहीं पसंद करता, आपसे इरिटेट हो रहा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, तो इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा बाहर निकलो, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हो कि ये ब्लॉक अनब्लॉक उसके बाद में आप मतलब उससे एकदम भीख सा मांगने लगते हो, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में भी मैं सोच रहा हूँ वीडियो बनाऊँ, तो आप नीचे कमेंट करके बताना कि इन सब चीज़ों के बारे में वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ।